अब सीजे के बाद सबसे पसंदीदा GTA कैरेक्टर कोई है ना, तो वो निको बेलिक है। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने GTA 4 को स्किप किया होगा, जिसके वजह से आपको निको बेलिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन डोंट वरी गाइस, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको निको बेलिक के बारे में काफी सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो ये है मेरी ट्रियोलॉजी स्पेशल कैरेक्टर्स का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि निको बेलिक जो है वो बाकी GTA प्रोटैगोनिस्ट से डिफरेंट कैसे है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको सिर्फ सुनो मत, करो भी। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर सब्सक्राइब बटन दबाओ और फिर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। दोस्तों GTA का हर एक प्रोटैगोनिस्ट या यूं कहो मेन कैरेक्टर जो है ना, वो अमेरिकन है। लेकिन निको इकलौता ऐसा GTA का प्रोटैगोनिस्ट है जो कोई अमेरिकन नहीं है, बल्कि किसी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता है, और अपना कोई सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए वो अमेरिका आ जाता है। अब लेस्टर इसी चीज को कंफर्म कर देता है GTA 5 के मिशन केसिंग द ज्वेल स्टोर में। There was an Eastern European guy making moves in Liberty City. He went quiet. एक और चीज जो निको बेलिक को बाकी GTA प्रोटैगोनिस्ट से अलग बनाती है, वो ये है कि उसको मेजर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। जैसे GTA 3 और GTA Vice City की स्टोरी ड्रग्स और ड्रग्स कार्टेल के अराउंड घूमती है, GTA San Andreas की स्टोरी गैंग्स और गैंग वॉर्स के अराउंड घूमती है, और GTA 5 की स्टोरी रॉबरी और हाइस्ट से रिलेटेड है। तो ये सारे मेजर क्रिमिनल एक्टिविटीज है जिसमें निको को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो तो बस अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए लिबर्टी सिटी आ जाता है, और तब तक लिबर्टी सिटी में सर्वाइव करने के लिए वो हिटमैन का जॉब करता है। लिबर्टी सिटी आने से पहले निको अपने कंट्री के आर्मी में था, लेकिन एक दिन उसी के किसी टीममेट ने दुश्मनों को उसकी टीम की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसका यूज करके दुश्मनों ने उन पर अटैक कर दिया। अब जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो वहां से लिबर्टी सिटी भाग आया, और उसी बंदे से अपना बदला लेने के लिए निको लिबर्टी सिटी आ जाता है। एक और जहां बाकी GTA प्रोटैगोनिस्ट नए सिटी में अपना नाम अपना एम्पायर बनाने के लिए आए थे, तो वही दूसरी ओर निको नए सिटी में सिर्फ एक ही काम से आया था, वो था बदला लेना, जो कि उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। नए सिटी में अपनी पहचान बनाने में या एम्पायर खड़ा करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्या आप भी यही मानते हैं कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग होती ही है? तो लेट GTA 4 प्रूव यू रॉन्ग। GTA 4 को एंड करने के दो ऑप्शंस हैं। एक में आपको दिमित्री को मारना होता है, जो GTA 4 का एक्चुअल विलन होता है और जिसने निको के कजिन रोमन को मरवाया भी होता है, और वही दूसरे ऑप्शन में आपको जिमी पेगरिनो को मारना होता है, क्योंकि उसने निको की गर्लफ्रेंड केट को मरवाया होता है। अब GTA 5 की तरह GTA 4 को एंड करने में हमें तीसरा ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है कि निको किसे सेक्रीफाइस करेगा, अपने कजिन रोमन को या अपनी गर्लफ्रेंड केट को। ये चार रीजंस निको बेलिक को बाकी GTA प्रोटैगोनिस्ट से अलग बना देती है, और इसीलिए निको बेलिक भी एक स्पेशल GTA कैरेक्टर बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो यार।